नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी इस समय हम मौजूद हैं। अरे सर कोई फर्क नहीं, उनकी भी करेंगे ना, उनका उन सर से भी बाइट लेंगे ना, लगे हाँ उनसे लेंगे। हाँ पहले और आपसे भी करना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ हम मौजूद हैं रीवा के सबसे बड़े, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक, रीवा के संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में। हमारे साथ मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी हैं। तमाम मुद्दों पर बात होगी। कोरोना का कहर इन दिनों बहुत तेज़ी से व्याप्त है। मैहर में जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर है और आप सब जगह उस ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, इस समय वहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर क्या स्थिति है? मैहर का एक प्लांट है जो प्लांट वर्तमान में कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया, बोला गया कि शट डाउन है। आज वो प्लांट बंद है। अभी तक जो प्लांट था उस प्लांट से सतना जिला रीवा भी ऑक्सीजन आ रही थी। हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि जो मैहर है जहाँ प्लांट है, सबसे प्राथमिकता पहले उसकी होनी चाहिए, छोटी जगह की होनी चाहिए। ये हमारा संभाग है, रीवा हमारी राजधानी है। हमारी अपेक्षा है कि रीवा हमारे लिए ऐसा बन जाए कि इस विकराल कोरोना के दौर में कहीं ना कहीं हमारे लिए सहायक हो जाए, हमारी यहाँ से मदद हो जाए। हम इसलिए यहाँ आना पड़ा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर नहीं है, हमारे यहाँ दवाई की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, बेड की कमी है। मैं बीच में आपको रोकूंगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, ऑक्सीजन आप पूरे जिले को नहीं पूरे संभाग को दे रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है या सुनने में आया है कि इंजेक्शन को लेकर आपके यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना? मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये बिंद की कहीं ना कहीं उपेक्षा है। रीवा से शहडोल भी संचालित है और रीवा के तमाम अस्पताल संचालित हैं। अब इस जगह पर 14 या 15 तारीख को हेलीकॉप्टर से इंजेक्शन आते हैं रेमडेसिविर, और वो भी मेरे ख्याल से 800 के करीब। इतनी कम सप्लाई इस रीवा संभाग के लिए करना कहीं ना कहीं ये बिंद की उपेक्षा है। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, पर लोगों के दिमाग में माइंड सेट है कि रेमडेसिविर से हम ठीक हो जाएंगे, पर जब चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा कि इंजेक्शन नहीं है, तो यही एक सबसे बड़ी ये बीमारी का सबसे बड़ा घातक दौर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये बिंद की उपेक्षा है। हमारे शहडोल में मुकेश अम्बानी के ग्रुप के द्वारा मिथेन गैस निकाली जा रही है, और हमारे इस क्षेत्र में वहाँ इंदौर में गैस गई। हम कैलाश विजयवर्गीय जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी राजनीति को धन्यवाद देते हैं, पर हमारे यहाँ इतनी कमज़ोर राजनीति, हमारे यहाँ इतना कमज़ोर दौर, इस बिंद की इतनी उपेक्षा कि हमारे यहाँ से जो इतना बड़ा उद्योग चला रहे हों, और इस इलाके में शहडोल में 16 लोग ऑक्सीजन गैस के कारण कल ख़त्म हो गए, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दौर है। मुकेश अम्बानी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जिम्मेदारी को संभाले और बिंद के रीवा और शहडोल संभाग में गैस की कमी ना आ पाए, ये उनको दायित्व तो निभाना चाहिए। यदि वो इस दायित्व से वंचित होते हैं तो बिंद का एक एक आदमी इसके लिए कहीं ना कहीं दिमाग में बात है, उनकी पाइपलाइन भी हम तोड़वाने का काम करेंगे। आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं, क्या इस मसले को लेकर आप मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे? मैं लगातार कल ही ट्वीट किया, लगातार अधिकारियों से, डॉक्टर साहब से, कमिश्नर से भी मिलूंगा कि उनकी जिम्मेदारी जो बनती है उस दायित्व को निर्वहन करें। हमारे डॉक्टर भगवान के रूप में लोग देखते हैं, मैं कोई डॉक्टरों से लड़ाई लड़ने नहीं आया, पर इस व्यवस्था के लिए कि जब 5 दिन पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन आए तो आखिर उन जगह छोटी छोटी जगहों पर अभी तक इंजेक्शन क्यों नहीं पहुँचे? कल जब मैं ट्वीट किया, कल जब मैं इस बात को आप लोगों के बीच में लाया, प्रेस के में लाया, तब वो इंजेक्शन कल जाते हैं शाम को, वो कल भी नहीं पहुँचे, आज पहुँचे। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। यहाँ के कमिश्नर की जो जिसकी जिम्मेदारी है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि एक एक छोटी जगह को देखें और इस महामारी से बचाने का प्रयास करें। हमारे बिंद में तमाम उद्योगपति हैं, तमाम बड़े बड़े उद्योग करने वाले लोग हैं, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे दौर में वो आगे आएँ और इस महामारी के दौर में जो जितनी सबसे व्यवस्था हो सके वो करने का काम करें। हमारे मैहर में जो भी उद्योग हैं उन उद्योगपतियों को हमने बुलाया, और जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है, बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, हम उन सबसे कराने का काम भी कर रहे हैं। अगर ये व्यवस्थाएं नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो अभी तो ये महामारी का दौर है, अभी तो इससे हम चाहते हैं कि हे भगवान इससे मुक्ति मिले। इसमें भी कोई राजनीति की बात नहीं करता, पर आपके चैनल के माध्यम से उद्योगपतियों को ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में बिंद में जितने उद्योगपति हैं,
एक एक उद्योगपति को हम चिन्हित करेंगे। यदि इनका सहयोग नहीं मिला इस महामारी के दौर में, इनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिंद की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। मेरा जो अंतिम सवाल आपसे, आप बिंद को लेकर काफी सक्रिय हैं इन दिनों, बिंद प्रदेश बनाने की भी लगातार मांग कर रहे हैं, इस तरीके की उपेक्षा क्या बिंद को जोड़ के देखा जा सकता है? मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये उपेक्षा के कारण ही आज बिंद का एक एक आदमी इस बात को समझने लगा है और ये मानने लगा है कि बिंद में राजनीति की कहीं ना कहीं कमियां हैं। आज इंदौर में यदि कैलाश विजयवर्गीय हैं तो अपनी पूरी व्यवस्थाएं वहां करा डालें, सभी जगह व्यवस्थाएं हो गई, पर बिंद में ही ये कमियां क्यों? तो कहीं ना कहीं बिंद की उपेक्षा है, जिसके कारण ही लोग इस बात को महसूस करते हैं कि अब हमारा बिंद बनना भी चाहिए। और इस कोरोना महामारी का जो मैं मुख्य मामला है, मुझे इसलिए लगता है कि भाई हमारे यहाँ इतना लेट इंजेक्शन आने में क्यों, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी क्यों, आज भी हमारे मैयर में ऑक्सीजन की कमी है। तो इतनी ये स्टेटमेंट देने से नहीं होता कि हमारे यहाँ सभी व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ कोई ऑक्सीजन कमी नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, मैयर में ऑक्सीजन कमी, प्लांट होने के बाद भी दवाइयों की कमी है, दवाई हम बाहर से खरीदवा रहे हैं। तो जब ऐसे महामारी के दौर में पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा तो इसको कैसे बचाया जाएगा? तो अभी तो इससे बचने की जरूरत है, अब इसके बाद जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। अभी तो इससे बचने की जरूरत है, महामारी का दौर है, पहले हमें महामारी पर विजय पाना, बाकी समस्याओं को हम आज देखेंगे। नारायण त्रिपाठी मैयर विधायक ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, आपका साफ तौर से कहना हमारे यहाँ का ऑक्सीजन सिलेंडर बंद हो चुका है। कल्पना करिए आप, आज की तारीख में मैयर का ऑक्सीजन सिलेंडर बंद होने के बाद विंध्य में किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी होगी और उसका परिणाम किस तरीके से सामने आएगा, इसको सोच कर ही एक भयावह स्थिति उत्पन्न होती। अब देखना है शासन प्रशासन इस पर क्या किस तरीके का निर्णय लेता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।